पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी जो है वो आज भारत जोड़ो यात्रा ज्वाइन इन कर रहे हैं। चन्नी जी, आप भी यहाँ पर आए हैं, यात्रा ज्वाइन इन कर रहे हैं, पहले तो आपका रिएक्शन, ये भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से लेके अब राजस्थान में और आगे पंजाब भी जाएगी, उसके बारे में आपको क्या कहना है? आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ, यहाँ एक अलग ही दुनिया है। ये एक प्यार की गंगा बह रही है जिसमें हर किसी को आकर अपना योगदान डालना चाहिए। ये राष्ट्र की एकता की बात है, ये देश की एकता और अखंडता की बात है, ये नेशनलिज्म की बात है, ये अपने राजीव गांधी जी ने जो देश के लिए शहादत दी, जो देश की आज़ादी, देश की अखंडता, देश की एकता को बहाल रखने के लिए जो कुर्बानियां कांग्रेस ने दी हैं, जो कांग्रेस ने देश को आज़ाद करवाया है, उसका रूप फिर यहाँ देखने को मिल रहा है। आज जरूरत है देश को इकट्ठा रखने की, आपसी प्यार और सद्भावना से रखने की, वो मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी जी एक युग पुरुष की तरह आगे बढ़ रहे हैं और एक दिन आएगा कि ये देश उनको एक बहुत ही बड़े नेता के रूप में देखने वाला है। कल उन्होंने ये भी कहा, राहुल जी ने, कि नफरत के बाजार में मैं प्यार की दुकान जो है वो लगाने आया हूँ और एक दिन ऐसा आएगा जब सबको जो है इसी प्यार की राह पर ही जाना पड़ेगा। उन्होंने बीजेपी के ऊपर जो है वो ये हमला करते हुए कहे कि एक तरह से उनको ये बात कही, उन्होंने कहा कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, आपकी विचारधारा के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं नफरत की जो ये आपकी बाजार है उसमें प्यार की दुकान खोलने आया हूँ। अरे ये कोई राजनीति नहीं है, यहाँ जो मैं देख रहा हूँ यहाँ प्यार बट रहा है, यहाँ जो भी हो रहा है वो देश के लिए हो रहा है, यहाँ समाज के लिए हो रहा है, यहाँ हिंदू के लिए हो रहा है, यहाँ मुस्लिम के लिए हो रहा है, यहाँ सिख और ईसाई के लिए हो रहा है। ये समाज को जोड़ने का एक बहुत बड़ा काम, एक यज्ञ चल रहा है, इस यज्ञ में हर किसी को आहुति देनी होगी। लेकिन बीजेपी तो हमला करे जा रही है, कभी उनकी दाढ़ी पे, कभी कपड़ों पे, कभी कंटेनर पे, कभी जैसे उन्होंने चाइना के मुद्दे पे अपनी चिंता जताई उसको लेकर कंटिन्यूअसली वो जो है राहुल गांधी पे अटैक कर रहे हैं। ये चलता है, पहले लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, फिर आपको उनको लगता है नहीं यार कुछ सीरियस है, फिर आपका विरोध करने लगते हैं। अब विरोध की स्थिति आ गई, उसके बाद जीत होगी। मेरा आखिरी सवाल है आपसे और वो ये है कि आपकी भी तबीयत सुना था ठीक नहीं है और बहुत सारी र्यूमर्स चल रही थी, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जो लोग कह रहे हैं कांग्रेस छोड़ के चले जाएंगे। ये देश में पैदा हुआ हूँ, इस मिट्टी से बना हूँ, मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, कभी मिट्टी एक दूसरे अपने एक एक कण को छोड़ती है क्या? यही मरना है, यही जीना है और इसी में रहना है। थैंक यू। कैमरा पर्सन मदन के साथ मिस्टर प्रभारद्वाज, आज तक, अलवर।